अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी बीमार हैं उनको सबको अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फरमाए। वेलकम है आपका मेरे चैनल अलमास फातिमा में। ये शॉपिंग भी लोग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप देखते जाएँ क्या क्या लिया, क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए। और ये सऊदी अरब का मॉल है, ये पाकिस्तान का मॉल नहीं है, ठीक है। तो सऊदी अरब में शॉपिंग हो रही है तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं और आपके साथ भी शेयर करती जाऊं कि क्या क्या है। जो कुछ मर्ज़ी कह लें हम, जो कुछ मर्ज़ी कर लें हम, बस काम हमें थोड़ा ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी को मद्देनज़र रखेंगे ना, तो एक बात है कि तरक्की और कामयाबी आपके लिए हाजिर है। और वही बात है कि कुछ मुखलिस बहन भाई ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आपको बहुत अच्छा माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को सच कह रही हूँ, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं होते। हम अगर ये बात कहें ना कि मैं, ये जो मैं होती है ना इंसान को, ये ले डूबती है। एक बात याद रखिएगा, ये मैं कुछ भी नहीं होती, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं हैं। बस ईमानदारी से काम करें और सबके साथ मिलके चलें, प्यार से, मोहब्बत से, और एक दूसरे का साथ देके, तो देखें कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर आपके कदम भी चूमेगी। कुछ मजबूरियों और कुछ अपनी मसरूफियात की बिना पे और कुछ अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने की बिना पे मैं नहीं सही तरह रेगुलर कुछ लोगों को ज्वाइन कर पा रही हूँ। मैं साफ सच्ची बात बता रही हूँ, ईमानदारी से, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, जब जहाँ जिसकी तरफ भी जाती हूँ, जिसकी वीडियो पे भी जाती हूँ, उसको फिर फुल वॉच करके आती हूँ, फुल वॉच किए बगैर नहीं आती, वरना फिर अदरवाइज़ मैं आपको सच्ची सच्ची बोल रही हूँ कि मैं फिर जाती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आप भी काम करें, जिसकी भी वीडियो वॉच करें, फुल ईमानदारी से वॉच करें, वरना कोई मसला नहीं है। आप किसी की तरफ नहीं जाएंगे तो कोई मसला नहीं, कोई आपको गिला शिकवा नहीं करेगा। अगर कोई गिला शिकवा करता है तो ठीक है, वो उसका राइट है गिला शिकवा करने का, लेकिन मैं इसलिए नहीं लोगों से खुद गिला शिकवा करती कि सच्ची बात है कि मैं खुद ना ऐसी बिज़ी हूँ कि मैं नहीं टाइम दे पा रही हूँ वाईटी के ऊपर ठीक तरह से, कि मुझे पता है देना चाहिए मुझे टाइम, मगर मैं इससे नहीं दिया जा रहा। मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं अपनी माँ को छोड़ नहीं सकती और उनकी खातिर मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है ना, हार्ड, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि सम टाइम मेरे घर का काम पड़ा रह जाता है, मेरे घर का काम ऐसे ही रह जाता है, मेरे बर्तन धोने वाले सम टाइम पड़े रह जाते हैं, सुबह भाग जाऊँ तो फिर शाम को आके बर्तन धोती हूँ। बहुत मुश्किल से यानी कि हर काम में भी मैनेज कर रही हूँ। खैर, थैंक यू सो मच आप सबका, आप सबकी सपोर्ट का, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।